तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे हाउसहोल्ड सेक्टर सेविंग्स अच्छे से है, लेकिन कंजम्पशन कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और जब तो इसको इसी इसी को कहते हैं लोग फाइनेंशियल रिप्रेशन। हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर या स्वास्थ्य पे जो खपत है वो थोड़ी कम होती है। अब इवन इवन दो अगर वो एग्रीगेट टर्म्स में ज्यादा हो, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ आपका पूरा घरेलू खपत होगा वो कम होगी। और ये एक अंडर डेवलप्ड मार्केट की निशानी होती है वहाँ, ऐसे देशों में जहाँ पे आय कम होती है, इनकम कम होती है, और कंजम्पशन आपका मोस्टली आपके खान पान पे, आपके जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़े खान पान पे थोड़ा उससे जो बच गया उसके बाद आप कपड़े और जूते चप्पलों पे और थोड़ा सा और बच गया तो आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एक मकान लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों का ख्याल, और उसके बाद बाहर घूमना फिरना, इन सब चीजों का ख्याल थोड़ा बाद में आता है। डूइंग बिजनेस वाला मैं काफी आम लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि आप एक महंगी सी गाड़ी ले लो और उसके बाद गड्ढों वाली सड़क है, तो आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसी गड्ढों पे आपको जाना है तो आपकी स्पीड जो है वो लिमिटेड रहेगी गड्ढों से, आप बेहतर गाड़ी लेने से तेज नहीं भाग पाओगे। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। ख्याति प्रणय, क्या हाल है आज और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? हाँ सौरभ और ख्याति, वैसे कई बार आप देखते होंगे ये निवेशकों की बात चलती रहती है, आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ऐसे पढ़ो तो हमेशा ये लोग बोलते रहते हैं कि भारत की कंजम्पशन और भारत का मार्केट चीन के बराबर की तुलना में कैसा है, बड़ा है या नहीं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इन निवेशकों के मन में भी, अगर उन्हें भारत में ज़्यादा निवेश करना है या नहीं। तो इसके ऊपर चर्चाएं बहुत होती है और बहुत सारे मत भी है लोगों के। कुछ लोगों को लगता है ऑलरेडी चीन के अलावा और विकल्प क्या है, भारत ही है। लेकिन एक्चुअली डेटा क्या है, किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं भारत में मार्केट कितना बड़ा है, वो बहुत कम है। तो हम लोग उसी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और हमारे साथ यही समझाने के लिए आज जुड़ रहे हैं अमित कुमार। अमित स्टाफ रिसर्च एनालिस्ट हैं तक्षशिला में, और अमित ने एक बहुत अच्छा पेपर लिखा है जियो कंज्यूमरिज्म इन इंडिया एंड चाइना के ऊपर, और उन्होंने इससे पर्दा उठाया है और बताया है कि एक्चुअली मार्केट कितना बड़ा है, कितना छोटा है वगैरह। तो वही समझने की कोशिश करता है। हम लोगों को वैसे भी जिज्ञासा रहती है चीन और भारत के बीच में इतने कंपैरिजन समझने की, तो क्यों वहीं वहीं पे से शुरू करते हैं, क्यों? बिल्कुल, स्वागत है अमित। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रणय, ख्याति और सौरभ मुझे इस शो को बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित, पहले तो ये बताओ ये क्यों इंटरेस्ट आ गया तुमको इस विषय में? देखिए, जिज्ञासा की बात यहाँ से उठी कि पिछले साल करीब मई जून 2023 में एक खबर आई कि वर्ल्ड बैंक और बाकी कई कई विदेशी संस्थानों ने ये खबर एक उन्होंने जारी की कि भारत जल्द ही अब 2023 के अंत तक या उससे थोड़ा पहले ही, फिगर्स थोड़ा आगे पीछे थे, लेकिन चीन को अब जल्द ही पीछे छोड़ देगा आबादी के मामले में, और ये इसी के साथ वो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला एक देश बन जाएगा। और जैसे ही खबर बाहर न्यूज चैनल्स पे दिखाई जाने लगी, कई तरह के कई कई जगहों से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब क्योंकि भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, अब यहाँ का बाजार भी चीन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि अब उनसे आबादी हमारी अब बड़ी हो जाएगी, हम अब चीन से ज्यादा खपत करने लग जाएंगे। और अगर हम और इस बात को इस चीज से जोड़ कर देखा जाने लगा कि अगर खपत भारत में बढ़ेगी तो विदेशी निवेशक जो दूसरी देशों में जब जाते हैं और वहां पे निवेश करते हैं, तो उनके लिए एक फैक्टर जो होता है जिसको वो ध्यान में रखते हैं कि वहां का डोमेस्टिक कंजम्पशन जो मार्केट जिसको हम या फिर खपत बोलते हैं वो कितनी है, वहाँ के लोग कितनी ज्यादा खपत करते हैं, उपभोक्ता कितने हैं वहां पे। तो दो सवाल यहाँ मेरे मन में है बिल्कुल उत्पन्न हुए। पहला कि क्या सही में भारत चीन को अगर पीछे छोड़ दे आबादी में, तो क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ का बाजार अब चीन से ज्यादा बड़ा होगा, कि यहाँ पे अब ज्यादा उपभोक्ता होंगे? और दूसरा ये कि क्या वास्तव में अगर मार्केट या जिसको हम बाजार कहते हैं अगर वो बड़ा हो, तो क्या ये विदेशी निवेशक उसको लिंक करके हम देख सक जोड़ कर देख सकते हैं कि यहाँ पे निवेश अब बढ़ जाएगा अब, और स्पेशली विशेषकर अगर हम देखें कि ये एक नैरेटिव एक आ गया था हमारे पिछले 2-3 साल में चाइना प्लस वाला, तो क्या इसका फायदा भारत उठा सकता है अपने इस कारनामे के
बेसिस पे। तो ये दो सवाल थे जो मुझे जानना था, इसलिए ये पेपर यहाँ से इस पेपर की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करता है, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ एक फैक्टर है ना, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब तो छोटे देश है, फिर भी इतना निवेश होता है, विदेशी निवेश भी होता है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होता है, वो तो छोटा मार्केट है बहुत ही। तो हम लोगों को क्यों इस कंजम्पशन को सीरियसली लेना चाहिए? यही जानने के लिए, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये बात बाहर निकली, लोग अटकलें लगाने लगे कि क्यों अब हम ज्यादा बड़ा खपत करने लग जाते हैं, खपत करने लगेंगे तो शायद यहाँ विदेशी निवेशक आएंगे। यही जानने के लिए मैंने ये कोशिश की थी, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि छोटे देशों में, जैसे आप सिंगापुर देख ले या हांगकांग देख ले, साउथ कोरिया देख ले, यहाँ पे कंजम्पशन उतना ज्यादा नहीं है। तो क्या वजह है कि वहाँ कंजम्पशन ना होने के बावजूद निवेश ज्यादा है, और भारत में कंजम्पशन या फिर खपत होने के ज्यादा होने के बावजूद निवेश उस स्तर पे नहीं है? ये जानने का प्रयास था जो हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं इस एपिसोड में। अमित, ये जो जब तुम बोलते हो कि ज्यादा और कम, इसका क्या मतलब है ये जरा, क्योंकि तुमने दो बार इस बारे में बोला तो इसमें एक लेवल डीप जाना चाहिए कि ज्यादा का मतलब क्या है और कम का मतलब क्या है। और क्योंकि हम भारत और चीन की बात कर रहे हैं, तो जनरल हमारा एक पूर्वानुमान जो रहता है दोनों देशों के बारे में, कि चीन एक मानी जाती है कि एक निर्यात प्रधान इकोनॉमी है, राइट, एक एक्सपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी है, और हिंदुस्तान जो है वो एक उपभोक्ता या खपत प्रधान इकोनॉमी है, राइट। तो ये क्या ठीक है? ये पूर्वानुमान लोगों का ऐसा है, हम ज्यादा कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और चीन सिर्फ एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, और क्या इसमें पॉलिसी का कुछ रोल है या फिर कल्चरल हैबिट्स हैं, क्या चक्कर है? देखिए, ज्यादा और कम का मेरा मकसद बताने का या बोलने का यह था कि लोग कई बार इस आंकड़ों में नहीं जाते और सिर्फ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी हुई तो हम खपत ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो हम शायद चौथी या पांचवी स्थान पे आते हैं विश्व में सबसे ज्यादा कंजम्पशन या खपत करने के उसमें। लेकिन क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, और जिस तरह से यहाँ पे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी जैसे, तो ये लाजमी होगा, ये मानना सही होगा कि यहाँ की खपत बढ़ेगी। तो ज्यादा और कम से मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि क्या हम चीन से ज्यादा खपत कर सकते हैं? क्या सिर्फ कंपैरेटिव असेसमेंट अगर भारत और चीन के बीच में, तो क्या हम चीन से ज्यादा खपत कर रहे हैं इस वक्त? और क्या आगे आने वाले समय में ऐसा कोई समय हो सकता है जहां पे हम ये कह सके कि हम चीन से ज्यादा खपत अब कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ अब ज्यादा निवेशक आए? दूसरी बात जो आपने कही कि चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर निर्यात ओरिएंटेड एक इकोनॉमी है, और भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन या खपत ड्रिवन एक इकोनॉमी है, इसका मतलब अगर हम देखा जाए अगर, तो जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है वो चार चीजों से मिलकर बनती है। पहला, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन, जो निजी खपत हो गई, आपके और मेरे जैसे लोग। दूसरा, जो सरकार खपत करती है या फिर जिस चीजों पे खर्चा करती है, सरकार का खर्चा हो गया। तीसरा हो गया, जो निवेशक भले ही विदेशी हो या देशी निवेशक हो, वो इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमी में करते हैं। और चौथा, नेट एक्सपोर्ट्स या नेट निर्यात, जो एक्सपोर्ट्स माइनस माइनस इंपोर्ट्स का एक फिगर होता है, इन चारों को लेकर बनती है। अब अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर देश, अगर उनकी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि कंजम्पशन या खपत का भाग जो होता है किसी अर्थव्यवस्था में, वो सबसे बड़ा होता है, करीबन 50 से 70, और किसी कुछ 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 देशों में वो करीब 80 तक भी पहुंच जाता है, 80% उस अर्थव्यवस्था का। और बाकी तीन जो घटक होते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सरकार का जो एक्सपेंडिचर हो गया, फिर कंजम्पशन हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, और नेट एक्सपोर्ट्स, इनका भाग जो होता है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। तो उस लहजे से अगर देखें तो हर हर एक इकोनॉमी अमूमन तौर पे एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होती है, लेकिन इसमें भी कुछ आउटलायर्स होते हैं जो बाकी अर्थव्यवस्था से थोड़े भिन्न होते हैं, जैसे कि जर्मनी और चीन। तो जर्मनी और चीन में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर भारत की बात अगर हम करें, अगर मैं बात जब कर रहा था, तो करीबन 60% उसका जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी खपत से चलती है, जो हम आपके और मेरे जैसे लोग इस अर्थव्यवस्था में कंज्यूम या खपत करते हैं। और अगर आप
अमेरिका की बात करें तो लगभग 70 से 80% ऐसा कुछ फिगर आता है, 60 से 75 के बीच में जो वो खपत करती है। तो उनकी भी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। लेकिन कुछ आउटलायर्स जैसे चीन या फिर जर्मनी हो गए, इनकी अगर आप इनकी अर्थव्यवस्था को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे किसका भाग कितना ज्यादा है, तो आप ये पाएंगे कि चीन केस में करीबन 37% उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ खपत से या उनकी निजी खपत से चलती है। बाकी उनका इन्वेस्टमेंट का शेयर, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर एक्सपोर्ट्स का शेयर होता है, वो जो एक निर्धारित, जो एक अमूमन हमारी माननीय जो हम मानते हैं उससे थोड़ी अधिक ज्यादा होती है। तो वो अगर आप बैलेंस देखेंगे तो वो उस एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। इवन दो आपका खपत जो है उसका शेयर ज्यादा होगा, लेकिन इंक्लिनेशन जो होगा वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स की तरफ ज्यादा होगा। इसलिए चीन को कहा जाता है कि वो एक नॉर्मल से एक ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था है मुकाबले भारत के। तो ये चीजें हैं जिसको हम देख के कहते हैं कि भारत कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है और चीन एक एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो आपने बताया कि चीन का लगभग 37% जो जीडीपी का है वो कंजम्पशन से आता है, तो भारत का कितना आता है? आई थिंक शायद करीबन मैं 57%, 57 से 58%, 57 to 58% अच्छा प्राइवेट कंजम्पशन से। ठीक है। और एक्चुअली ये इसको और समझने का एक और तरीका है, किसी भी इकोनॉमी के एक मॉडल को लेते हैं जिसमें एक हाउस होल्ड्स होते हैं, जो भी घरेलू कंजम्पशन होता है या हमारे घर होते हैं उन, और एक होता है कॉरपोरेट्स जो कि लोन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तीसरा होता है गवर्नमेंट। तो अगर हम इस मॉडल को लेके चले तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि हाउस होल्ड इनकम रहता है, हाउस होल्ड इनकम्स दो चीज़ों में जा सकते हैं, या तो सेविंग में जा सकता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट, या कंजम्पशन में। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट जब होता है उसका उपयोग किस में तरीके से होता है, आप फाइनेंशियल सेक्टर सेविंग्स, मतलब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं या फिर आप बैंक में पैसा डालते हैं एफडी के लिए वगैरह वगैरह, और वो फिर कॉरपोरेट्स लोन उठाते हैं उससे या फिर गवर्नमेंट भी लोन उठाती है उससे बॉन्ड वगैरह की तरफ से, है ना। अगर आप उसमें पैसे नहीं डालेंगे तो आप कंज्यूम खर्चा करेंगे, तो ये इस तरीके से मॉडल होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सेविंग्स काफी कम है, अभी 8-10% जीडीपी से भी कम है, लेकिन यही पॉजिटिव रहता है, इसी से पैसा आ रहा है और ये पैसा या तो कॉरपोरेट को जाता है या गवर्नमेंट को जाता है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं रहता इकोनॉमी में, बोरो करना पड़ता है, यही सोर्स रहता है। और चीन में जो फाइनेंशियल सेक्टर सेविंग्स है वो तकरीबन उनकी 30% के करीब है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स अच्छे से है लेकिन कंजम्पशन कम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और जब तो इसको इसी इसी को कहते हैं लोग फाइनेंशियल रिप्रेशन। तो ये बात ये हो रही है कि एक तो वहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन नहीं है जिसके जैसे आपके पास और हमारे पास है कि आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, पैसा भारत के थोड़ा बाहर ले जा सकते हो, उसमें भारत में भी रिस्ट्रिक्शंस है पर चीन में अलग लेवल की रिस्ट्रिक्शन है। तो आपको पर्पसफुली सरकार बोल रही है कि आप सेविंग्स करो, वो सेविंग्स हम लोग इन्वेस्टमेंट में यूज कर लेंगे, या तो सरकार अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को दे देगी या फिर कॉरपोरेट्स को दे देगी और कॉरपोरेट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सौरभ आपने जो सवाल बोला था वो एकदम डिफरेंस है, ये इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल जो हम लोग कहते हैं वो इस तरीके से आता है। तो इसमें आपको आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप सेविंग्स फोर्स कैसे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रखते हैं, तो जैसे आपको 8-9% इंटरेस्ट रेट रहता है वो नहीं होगा। तो मेरे मन में ये सवाल उठा था, इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑब्वियसली आप सेविंग्स नहीं करोगे ना, आप और कंज्यूम करोगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि मार्केट में अगर आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो आपकी ये, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि चीन में सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग US वगैरह या UK ऐसे नहीं है, तो लोगों को और डर लगता है यार कि अगर मैं मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं पैसा बाहर भी नहीं ले जा सकता, तो मेरे को उतना ही पैसा अगर फ्यूचर में चाहिए तो मुझे और पैसा और सेविंग्स बचाना में डालना पड़ेगा, पड़ेगा। और बचाना पड़ेगा, और बचाना पड़ेगा। तो ये होता है कि आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो और आप कंज्यूम नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता नहीं आपका डर है, फ्यूचर भविष्य कैसा होगा। तो का डर है।
तो और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप वही बैंक में डालते हो और वैसे चीन पिगी में, बैंक में जमा करने जैसा ही है ये, थोड़ा हाँ बहुत हाँ कि भाई और इकट्ठा हाँ करते जाओ। बिल्कुल, और चीन में ऐसे इतने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी नहीं है जैसे भारत में है, तो आपके कंपटीशन रहती है भारत में वगैरह, इंटरेस्ट रेट कोई बैंक ज्यादा दे देगा, चीन में वैसे नहीं होगा, तो आपको स्टेट बैंक उनके जो भी हैं उनमें ही डालना पड़ेगा, और वो पैसा सरकार या तो हड़प लेगी इन्वेस्टमेंट के लिए या करप्शन के लिए, सब चीजों के लिए, और कॉरपोरेट्स भी उसे उसका प्रयोग कर लेंगे, तो ये इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। इसके फायदे भी है नुकसान भी है, फायदे ये है कि लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है, तो सौरभ अगर आप वहां पे कंपनी स्टार्ट करते तो आपको जबरदस्त लो इंटरेस्ट पे लोन मिल लोन जाता, और मिल मिलते ही रहता शायद, जाते और अगर उसका नुकसान ये है कि यह कंज्यूमर के एक्सपेंस पे कंपनीज और गवर्नमेंट को पैसा उठ रहा है, तो ये हाँ, दोनों फिर पहलू। बेसिकली और हाँ, तो मैं कंपनी खोलूंगा तो मुझे पता है लेकिन लोग तो नहीं खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कंपनी को भी इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि तो एक्सपोर्ट ही कर, क्योंकि आपकी लोकल इकोनॉमी तो आपके प्रोडक्ट खरीदने वाली नहीं है। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं प्रणय, एक हिंदुस्तान के कैलकुलेशन में, और हिंदुस्तान एक यूनिक कंट्री है जहां पे हमारी बहुत सारी सेविंग कंजम्पशन में काउंट होती है, क्योंकि हम सोने में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो जो गोल्ड है वो एक्चुअली इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से कंजम्पशन हो जाता है, जबकि हम एज ए हाउस होल्ड हम सोचते हैं कि ये तो हमारी सेविंग है, लेकिन वो क्योंकि वो पिगी बैंक में पैसा डालने जैसा है, वो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि आप बैंक में या कहीं पे पैसा डालते हैं वो हमारी तो सेविंग है, लेकिन हमारी सेविंग किसी दूसरे के लिए लोन इन्वेस्टमेंट वगैरह का रूप ले लेती है, लेकिन जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो वो रूप नहीं लेती है, वो सिर्फ आपके हमारी पास ही लोकल होती है। सेविंग होकर रह जाती है, तो वो काउंट होती है कंजम्पशन के तौर पर, लेकिन हम उसको साइकोलॉजिकली, इसीलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज डालती है हमारा बिहेवियर चेंज करने के लिए, लेकिन इस चीज में हिंदुस्तान एक अपवाद है, हिंदुस्तानियों को सोना बहुत पसंद है, तो ये गोल्ड एक अलग चीज है, तो मैंने कहा कॉल आउट कर दूंगी। वो नंबर जो है वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में नहीं फिट होती। बिल्कुल, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अमित, तो फिर ये मॉडल अब हमें पता है कि किस तरीके से कंजम्पशन चीन में कम हो रहा है, इतनी चीन की वैसे जीडीपी पर कैपिटा आप कितनी है, 13,000 डॉलर के, हाँ, करीब 13,000 आने वाली है। और हमारी भारत की 2,800 USD है, तो एक तो यही है कि भारत बड़ा मार्केट है, लोग ज्यादा है लेकिन गरीब देश है कंपेयर टू चीन, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी खपत पर? तो उससे पहले तो खैर हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एक कंज्यूमर होता क्या है। हम जब बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या है, आज हमने शायद इस चीज पे अभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर कौन है या फिर उपभोक्ता कौन है, उसके बाद हम शायद इस सवाल का जवाब ढंग से दे पाएंगे कि कितने कंज्यूमर्स बढ़े हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे। तो अगर, और बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी दी गई हैं कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं की, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से जो है वो परिभाषा है जो कहती है कि हर एक व्यक्ति जो प्रतिदिन 12 डॉलर पीपीपी रेट, जो 2017-17 के रेट्स है, उसके हिसाब से अगर वो प्रतिदिन उतनी खपत करता है या उतनी उतना खर्चा करता है, जो कि अगर आप उसको भारतीय रुपए में अगर बदले कन्वर्ट करें तो पाएंगे करीबन 250 रुपये, 247 या 250 रुपये करीब। तो अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 250 रुपये अपने ऊपर खर्च करता है तो वो भारत में एक कंज्यूमर कहलाएगा। उसी तरह अगर चाइना की बात की जाए तो कंपेरेबल जो नंबर्स होंगे 250 वहां पे यूएन में बदले जाएंगे, तो करीब 49 या 50 यूएन अगर अगर आप खर्च करते हैं प्रतिदिन तो आप एक कंज्यूमर कहलाएंगे। अब इस चीज को अगर आप, अब इस मापदंड के हिसाब से अगर आप देखते हो और दोनों देशों में अगर आप उन दोनों की तुलना करते हैं कि अब भारत में, अब आपको ये तो पता है कि दोनों जगह आबादी अब करीबन करीबन 140 करोड़ है, लेकिन अगर आप ये मापदंड लगा के देखते हैं कि अब दोनों देशों में कितने उपभोक्ता हैं इस परिभाषा के हिसाब से, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग और मिरर इमेज आपके सामने आएगी। 140 करोड़ में से जहां पे लगभग 140 करोड़ में से जहां 90 करोड़ भारत में इस रेखा के नीचे हैं जो 250 रुपए से कम एक दिन में खर्च करते हैं, और सिर्फ 40 करोड़ ऐसे लोग हैं, या 400 मिलियन अगर आप कहें, 50 करोड़ करीब ऐसे लोग हैं जो इस रेखा से ऊपर है, जिनको कंज्यूमर्स आप कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप चीन को देखें तो वहां पे करीबन
900 या 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस रेखा के ऊपर रहते हैं, और जल्द ही वो फिगर अब 1 बिलियन पहुंचने वाला है, 1 अरब पहुंच जाएगा। और वही करीब 40 से 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस रेखा के नीचे हैं। तो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्टिंग और बिल्कुल मिरर इमेज है। तब इसका इम्पैक्ट जो आप पूछ रहे थे कि इसका पर इससे पहले हमें हम लोग ये परिभाषा क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस उससे जो कम कंज्यूम कर रहे हैं वो इतने गरीब हैं अभी के स्थिति में कि उनका इम्पैक्ट जैसे इन्वेस्टमेंट पे नहीं बिल्कुल पड़ेगा, या क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर आप देखें तो ऐसे कई जो डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, लो डेवलपिंग लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है, अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आप इससे भी ज्यादा कम खर्च कर रहे हैं, तो आप मोस्टली आप खर्च करेंगे किन चीजों पे? थोड़ा सा कुछ अनाज वगैरह खरीदने में, या फिर पानी सिक्योर करने में, या फिर थोड़े बहुत अपने पैरों पे एक कुछ चप्पल वगैरह खरीदने के लिए, जो आपकी सबसे बेसिक नीड्स होते हैं जो एक इंसान की होती है। लेकिन और उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। तो वो कंजम्पशन, एक कंजम्पशन जो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में, इवन हालांकि ये भी जो कर रहे हैं वो भी एक कंजम्पशन है, बिल्कुल लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमी के स्केल पे अगर आप देखना चाहें तो वो कंजम्पशन, हम उन चीजों को खपत कंसिडर करते हैं जिसके वजह से और आर्थिक अपॉर्चुनिटी या फिर आर्थिक आपके पास विकल्प ज्यादा पैदा हो यहाँ पे। तो ऐसी कंजम्पशन जैसे आप लीजर पे खर्च करते हैं, जैसे बाहर घूम फिर पे खर्च कर लिया आपने, आप बाहर होटल्स में घूमने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, हेल्थ या एजुकेशन पे, आप अपने शिक्षा पे या फिर इन चीजों पे खर्च कर रहे हैं, तो जैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती, जैसे आप और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, आप ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जिसके वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ इस रेखा के नीचे खर्च करते हैं, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो इससे ज्यादा खर्च कर सके। हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि जो निवेशक हैं उनको इस नंबर में कम इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मतलब लोग तो हर एक इंसान उतना ही जरूरी है चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, लेकिन हम लोग जब निवेशक के दृष्टिकोण से देखें तो वो बोलेंगे कि इनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो वो शायद टीवी नहीं खरीदेंगे, नया फोन कनेक्शन नहीं लेंगे। तो सरकार के लिए वो जरूरी है, वो लोग, हर एक इंसान जरूरी है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए नहीं। जी तो इस और इस नंबर को थोड़ा मंथली अगर हाउस होल्ड में ट्रांसलेट कर दें, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है अच्छा 250 रुपये रोज का, तो अगर मतलब घर में 4 लोग हैं तो ये महीने का 30,000 रुपये हो गया। तो और वो 30,000 खर्च करना है, ये कमाई नहीं होनी चाहिए घर की। तो क्योंकि कई बार लोग ऐसे देखते हैं कि अरे हम इतने लोगों को जानते हैं, ये 15,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है, लेकिन वो 15,000 20,000 कमाने वाला अगर एक ही इंसान है घर में और उसके घर में 3 डिपेंडेंट्स हैं, तो फिर वो घर जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। और इवन अगर 2 लोग भी हैं 15,000 रुपये कमाने वाले और 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं वगैरह, उनके पास अगर डिस्पोजेबल इनकम इतनी नहीं है, मतलब खर्च करने वाली जिसमें वो कर रहे हैं, क्योंकि सारी कमाई तो वो खर्च नहीं करेंगे, अगर वो थोड़ी सी सेविंग करते हैं तो भी वो इस रेखा के नीचे हो जाएगी। तो ये जी वो इनकम है जो वो आदमी खर्च कर रहा है आफ्टर हिज सेविंग्स टैक्स वगैरह सब हटा के। तो ये नेट खर्चा है, इसमें शायद जीएसटी भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो खर्चे में नहीं आता, सरकार की कमाई जो है वो खर्चे में नहीं आती है। बिल्कुल और हिंदुस्तान में टैक्स बहुत हाई है, 18%। हाँ तो ये अब ये नंबर करते समय आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आप 18% जीएसटी दे रहे हैं एवरेज, तो एक गरीब आदमी के खर्चे पे कितना फर्क पड़ रहा है। 30,000 का खर्चा करने वाला आदमी नेट जो है वो सिर्फ 24,000 या 25,000 ही खर्च कर पा रहा है। ठीक सौरभ है, की दुखती रग बिल्कुल पे हाथ रख दिया। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये समाव मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता है कि हम एक इतनी गरीब कंट्री होकर के गरीब लोगों पे इतना हाई टैक्स कैसे लगा। नहीं, मुझे एक और सवाल था इसी के साथ, ये कि जैसे आपने कंजम्पशन डेटा को दोनों देशों के कंजम्पशन बकेट्स को कंपेयर करने की कोशिश की है, तो मुझे थोड़ा ये सवाल था कि अगर जब हम किसी देश के कंजम्पशन के डेटा को समझ रहे हैं तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने ये देखा कि हेल्थ केयर पे हम 1% स्पेंड करता है कोई भारतीय, तो अगर वो कम है तो अब उस कम नंबर को किस तरह से समझा जाए? क्या हम ये समझे कि भारत में हेल्थ केयर सस्ता है इसलिए लोग कम खर्चा कर रहे हैं? क्या हमें ये समझना चाहिए कि शायद लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो उस पर खर्चा कर सकते हैं? तो ये इन चीजों को थोड़ा समझने के लिए कुछ फ्रेमवर्क, एक
उसका बेसिक्स कुछ समझाएंगे तो कि हम आगे उसको समझ पाए फिर पैटर्न्स को। देखिए फ्रेमवर्क आपको प्रणय बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने कुछ टिप्पणियां दे सकता हूँ। हाँ तो ऐसा मुझे ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कि भारत में हेल्थ केयर बहुत सस्ता है। अगर आप कंपेयर करें, दोनों ही तुलना करें, अगर आप काफी लोगों को भारत ऐसा लगता भी है बाय द वे। हाँ नहीं, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि ओवर द काउंटर आप ज्यादा खरीदते हैं। बट हाँ, अगर एक दूसरा पक्ष भी है इसका कि आप बाहरी देशों से अगर कंपेयर करें तो आपके लिए आपके यहाँ हेल्थ केयर सस्ता है, लेकिन आपकी अपनी इनकम के हिसाब से अगर आप देखें तो शायद उतना सस्ता नहीं होगा, तो उसपे ज्यादा पड़ता है। तो यही अगर आप देखें तो दोनों भारत और चीन दोनों ही देशों में एक चीज निकल के आती है। अगर आप इनको थोड़े विकसित देशों से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ही देशों में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो एक इंसान अपने जेब से जो खर्च करता है हेल्थ केयर पे, वो काफी ज्यादा है। और आपके पास सोशल सिक्योरिटी मेजर्स या फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं बीमा, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, या लाइफ टर्म इंश्योरेंस वगैरह, वो उतना ज्यादा नहीं है दोनों ही देशों में। और सरकार का भी उतना ज्यादा इवन दो है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज या फिर बाकी देशों से कंपेयर करें तो वो उतना ज्यादा नहीं है। और आउट इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो भारत या चीन में रहता है उसको स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है अपनी पॉकेट से। लेकिन क्योंकि इनकम्स भी कम है, तो आप ये भी देखेंगे कि हेल्थ में अगर आप पूरे कंजम्पशन का एक्सपेंड कंजम्पशन बास्केट जो आप कह रही थी, जो घरेलू खपत जो होती है, हर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जैसा प्रणय समझा रहे थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर या स्वास्थ्य पे जो खपत है वो थोड़ी कम होती है। अब इवन इवन दो अगर वो एग्रीगेट टर्म्स में ज्यादा हो, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ आपका पूरा घरेलू खपत होगा वो कम होगी। और ये एक अंडर डेवलप्ड मार्केट की निशानी होती है, वहाँ ऐसे देशों में जहाँ पे आय कम होती है, इनकम कम होती है, और कंजम्पशन आपका मोस्टली आपके खान पान पे, आपके जैसे वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो आपके खान पान पे थोड़ा उससे जो बच गया उसके बाद आप कपड़े और जूते चप्पलों पे, और थोड़ा सा और बच गया तो आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एक मकान लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों का ख्याल, उसके बाद बाहर घूमना फिरना, इन सब चीजों का ख्याल थोड़ा बाद में आता है। तो ये एक उस इकोनॉमी की निशानी है। तो अगर आप दोनों देशों को कंपेयर करें तो हालांकि खान पान पे दोनों ही बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन चीन को अगर आप देखें तो उसपे आपको साइंस ऑफ मेच्योरिटी अब नजर आ रही है कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों में। और आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि एग्रीगेट टर्म्स में जो पूरा आप जो खपत करेंगे वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एज अ परसेंटेज जब आपका घरेलू खर्च उस पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे कि खान पान हो गया, उसमें थोड़ा कमी आती जाएगी। और ज्यादातर आप देखेंगे कि वो ज्यादातर खर्च कर रहे हैं हाउसिंग इक्विपमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या फिर उपकरण, ड्रिल, एंटरटेनमेंट 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 हो गया, शिक्षा पे वो लोग काफी ज्यादा करते हैं, बाहर घूमने उमने पे काफी खर्च करते हैं, और वो चीज भारत में आपको नहीं दिखेगी। तो ये भी एक निवेशकों के लिए देखने के लिए एक बड़ी एक एक ऐसा बहुत ही दिलचस्प नजरिया है कि आप खर्च कर तो रहे हैं, लेकिन आप खर्च कहाँ कर रहे हैं और किन सेक्टर्स पे कर रहे हैं, वो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ यही कह देना कि भारत खर्च ज्यादा कर रहा है या खपत ज्यादा कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस सेक्टर में खपत कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट को लेकर के मेरे को एक सवाल है। तो जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट हेल्थ प्रोविजन बहुत अच्छी है तो नेचुरली हाउस होल्ड को डायरेक्टली नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से आपने मेरे से टैक्स में तो पैसा ले लिया पर उसके बाद सरकार ने आपकी हेल्थ केयर कवर कर लिया, तो आपको फिर लोगों का, जैसे शायद यूरोप में ऐसा होता होगा, मैंने नंबर नहीं देखे, पर काफी सारे देशों में हेल्थ केयर पे ऑलमोस्ट आपको जीरो खर्चा करना पड़ता है क्योंकि सारा का सारा हेल्थ केयर का खर्चा सरकार कर रही है। तो ये चीज को हम कैसे देखते हैं? तो हिंदुस्तान में क्योंकि सरकारी खर्च बहुत ही बेकार है या फिर सरकारी अस्पताल भी बहुत बेकार होते हैं, तो लोगों को प्राइवेटली बहुत ज्यादा प्रोविजन करनी पड़ती है अपनी हेल्थ केयर एक्सपेंस। चीन में भी क्या ऐसा है? क्या चीन में भी सरकार का खर्चा बहुत कम है? तो ये वाला सरकार और इंडिविजुअल के बीच में हेल्थ केयर एक्सपेंस और एजुकेशन में भी सेम चीज होगी कि अगर सरकार अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो लोग पर्सनली उतना पैसा नहीं खर्च करेंगे ना। नहीं, उसका जवाब मेरे ख्याल से प्रीमियम में है कि आप प्रीमियम खरीद रहे तो शायद आप उस पर फिर खर्च करेंगे और वो आपके ठीक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। तो क्योंकि वहां पे आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज्यादा है और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ज्यादा दे रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीमियम खरीदेंगे और प्रीमियम फिर वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो और भारत और चीन में वैसा नहीं है कि उतना हमारी सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन तो ज्यादा है नहीं और प्रीमियम भी थोड़े बाकी जगहों से हाई है।
और चीन में बेशक ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जिसको बोलते हैं, ये एक वो सेक्शन है जो आता है वहां की लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो दूसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर ये पूरा बर्डन होता है इस चीज को उठाने का। और पिछले कुछ सालों में और इससे पहले गवर्नमेंट्स का, मोस्टली लोकल गवर्नमेंट का जो आप कहेंगे डायरेक्शन जो था, जैसा हम शुरुआत में बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स पे था और एसओईज को पैसे देने में था, और उनका रेवेन्यू ज्यादातर लैंड वगैरह से आता था और वो ज्यादातर सब्सिडी देने में चला जाता था, और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्योंकि इनके हिस्से में होती है, तो ये लोग तो यहाँ की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो चीन में है वो ज्यादा सोशल सिक्योरिटी की तरफ वो नहीं देती है, क्योंकि वो कंजम्पशन भी उस तरह से नहीं चाहती है, वो ज्यादा चाहती नहीं कि आप ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो वो एक चीज है, तो वो भी देखना जरूरी है। हाँ, तो आप मॉडल देख सकते हैं कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो, मतलब वहाँ का जो पार्टी सेक्रेटरी होगा उसका प्रायोरिटी ये रहेगा कि मेरा जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है मेरे काउंटी का, और उसको जल्दी जीडीपी ग्रोथ लाना है तो उसका मॉडल ये है कि किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लेके आ जाऊँ, और सेम चीज़ की कंपनी है, बैटरी बनानी है तो सब बैटरी की कंपनियाँ, 100 कंपनियाँ कैसे लग सके, तो वो उनका फोकस है। उसका फोकस ये नहीं है कि इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मतलब हेल्थ नहीं है तो नहीं है, क्या कर लोगे, मतलब तुमको हाँ, वोट तो वोट नहीं कल मिल कल रहा। तुम्हें वोट हाँ तो मिलना है नहीं। हाँ हाँ पर तो बिल्कुल, उनका मॉडल यह है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ तो तुमको पैसे मिलेंगे तो उससे खुश रहोगे तुम, तो इस तरीके की मतलब प्राथमिकता अलग है। अब आप कह सकते हैं कि भारत में लोकल गवर्नमेंट की प्राथमिकता क्या है, उसका मैं जवाब दूंगा कि पहले लोकल गवर्नमेंट तो लाओ, पर फिर भी तो ये अलग है, डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अमित, तो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे चीन और भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है, और आपने बताया मिरर इमेज है कि किस तरीके से भारत में 40 करोड़ हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कंज्यूमर्स जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, जिन निवेशकों का जिनके ऊपर फोकस होगा। तो अगर हम ये मान के चले तो फिर ये जो चाइना प्लस वन है वगैरह वगैरह, वो विजन रियलाइज करने में कितना और समय लगेगा? अब हमें ये तो पता है कि अभी तो हम वहां नहीं है, इतने बड़ी कंज्यूमर मार्केट नहीं है, लेकिन कब हो सकता है कि हम लोग बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन पाए? जी ये मेरे रिसर्च का दूसरा क्वेश्चन था जो आपने भी बस पूछा कि क्या इसके वजह से हम क्या उस जगह शायद पहुंच सकते हैं, या फिर कंजम्पशन हमें किसी तरह से सहायता दे सकता है चाइना प्लस वन में। तो इस सवाल को जानने के लिए पहले तो मतलब आपके सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या, दो क्वेश्चन जानने पड़ेंगे कि क्या इससे हमें अभी तक फायदा हुआ है या फिर आगे फायदा हो सकता है। ये जानने के लिए ये देखना पड़ेगा, मुझे अपनी रिसर्च में पता चला कि कंजम्पशन अपने आप में या खपत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सबसे प्राथमिक फैक्टर नहीं है, सबसे प्राइमरी फैक्टर नहीं है। इसीलिए आप, हम जब शुरुआत में बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर हम देखें तो जैसे सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, इनका कंजम्पशन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, इवन वियतनाम को अगर हम हाल के कुछ समय में देखें तो इतना इतना कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे निवेश, विदेशी निवेश काफी ज्यादा आया है। तो अपने आप को ये पूछना, अपने आप से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया था कि क्या कंजम्पशन बिल्कुल हमें, भारत को उस स्टेज पे लेके जा सकता है। और मेरा यहाँ पे मैं जवाब, एक पॉइंट जोड़ दूँ, हम लोग जब कह रहे हैं साउथ कोरिया वगैरह में कंजम्पशन ज्यादा नहीं है तो मैं उनकी अर्थव्यवस्था का परसेंटेज वाइज तो ज्यादा ही होगा, वहां भी 50-60-70% होगा, लेकिन ओवरऑल कम लोग हैं तो कंजम्पशन एक निवेशक जब देखेगा कि कितना बड़ा मार्केट है तो उस तरीके से छोटा ही होगा। जी बिल्कुल। तो मैंने पाया कि उससे पहले कि कंजम्पशन एक बड़ा फैक्टर बन सके, उससे पहले दो चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उन दो चीजों को सही कर लेते हैं तो आपका कंजम्पशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है, जो एक कहते हैं एक्सेलरेटर का काम करता है, या फिर एक किसी रिएक्शन में वो एक इंस्टिगेटर का काम करता है, उसका केमिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है बिल्कुल, तो वो कर सकता है। लेकिन उस कैटलिस्ट को रियलाइज करने के लिए आपको वो इंग्रेडिएंट सही चाहिए। तो उसमें पहला एक जो मैंने, जो मुझे पता चला अपने रिसर्च में, उसमें ये था कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी ओपन है टू विदेशी विदेशी निवेश, विदेशी निवेशकों के लिए। तो आप
क्या आप सेक्टर्स, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो आपके पहले, आप भारत में देखते हो 1990 से पहले बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हुआ करते थे इकोनॉमी में, सेक्टर अर्थव्यवस्था में, जो बाहरी निवेशकों के लिए बंद हुआ करते थे, और उसके बाद भी बहुत काफी टाइम तक उस पर रिस्ट्रिक्शन थे कि आप 20% से ज्यादा, 30% से ज्यादा, 19% से ज्यादा आप नहीं कर सकते, और उतना करने के बाद भी फिर आप मेजोरिटी स्टेक नहीं ले सकते हैं किसी कंपनी में। उसके बाद अगर आप वो भी कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट रूट नहीं ले सकते हैं। तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं, आप कितना ओपन इकोनॉमी है उस लहजे से। तो उसके लिए एक बाहरी संस्थान है, विदेशी संस्थान है, OECD, जो एक इंडेक्स जारी करती है जिसको कहते हैं FDI रिस्ट्रिक्टिव इंडेक्स। तो वो ये देखते हैं कि हर एक देश जो है वो कितनी ओपन है इन चीजों के लिए। तो उसमें मैंने देखा तो मेरे मेरे थोड़े होश उड़ गए थे। उसमें हाल के कुछ अभी सालों में भारत की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, और बाकी उसके जो आप प्रतिस्प जो आप उनको प्रतिद्वंदी कहे, जो अभी China+1 की रेस में इंडिया के साथ भाग रहे हैं, वियतनाम कह ले, मैक्सिको कह ले, थाईलैंड कह ले, या फिर मलेशिया कह ले, इन सबके साथ कंपेरेबल या इनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ऐसे सेक्टर्स थे तो जहां पे भारत सरकार जो है अब विदेशी निवेशकों के लिए ओपन तो हो गई है। अब दूसरा फैक्टर आता है कि एक बार आप आ तो गए, लेकिन आप भारत आने के बाद आप क्या यहाँ पे व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं, या फिर अपना व्यापार चला पा रहे हैं, या फिर शुरू कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक दूसरा इंडेक्स, एक वर्ल्ड बैंक जैसे जो संस्था है वो एक जारी करती थी, 2020 तक वो जारी कर रही थी वो इंडेक्स, जिसको कहते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ज्यादातर ये देखता था कि आप एक बार आ तो गए, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, और आप क्या उसको, उस अपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आपके पास आपको रेड टेपिज्म, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी या फिर ब्यूरोक्रेटिज्म कहते हैं, या फिर वो कितना ज्यादा है, आपको परमिट्स के लिए आपको कितने परमिट चाहिए, आपको एक एक बार आपने निवेश कर लिया तो आप कितना टाइम, आपके पास लैग टाइम होता है जिसके बाद आप प्रोडक्शन एक्चुअली शुरू कर सकते जाने के बाद। तो वहां पे जब मैंने भारत को कंपेयर करना शुरू किया इन China+1 ऑल्टरनेटिव, जिनको कहते हैं, जो बाकी वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह से कंपेयर करना किया, या फिर इससे पहले के जो ईस्ट एशियन टाइगर जिनको कहते हैं, जो जिनके पास कंजम्पशन कम थी लेकिन फिर भी ज्यादा जिन्होंने निवेश, बाहरी निवेश इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वहां मैंने पाया कि भारत 2018 तक 130 या 40 देशों की सूची बनती है, उसमें से 100 के बाहर ही था, 100 के अंदर तो उसने एंटर किया ही नहीं करीब 2018 तक। और उसके और बाकी जो देश जिनके नाम मैंने अभी लिए, इनका इनकी रैंकिंग जो थी इस सूची में वो ज्यादातर 15 से 35 के बीच में थी। तो ये भारत से काफी आगे थे। एक बार आप निवेश के लिए आपने सेक्टर्स तो खोल दिए, लेकिन उनके लिए व्यापार करना कितना आसान है। तो अगर ये चीजें आ जाती हैं, तो अगर ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाती हैं, तो वहां पे फिर विदेशी निवेशकों का ऐसा लगता है कि शायद यहाँ व्यापार करना, यहाँ पे मार्केट तो बड़ा है, लेकिन जितना आप यहाँ पे आके, जितना कॉस्ट आपको लगेगा यहाँ व्यापार सेटअप करने में, इससे ज्यादा बेटर होगा कि आप दूसरी जगह कर ले और फिर इन जगहों पे एक्सपोर्ट कर ले। कुछ कॉस्ट बढ़ेगा, ज्यादा आइडियल सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस ना हो और फिर आप यहीं पे व्यापार, यहीं पे इन्वेस्टमेंट करके यहीं पे इसके डोमेस्टिक मार्केट को बेचे, आपके पास कॉस्ट कमेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट से इंट्रैक्शन का जो कॉस्ट होता है सरकार से, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनके लिए ज्यादा आसान होता है बाहर से फिर कहीं आसपास करना। हाँ, और ये दिमाग का है, दही कौन करे, वही है। तो यही अगर फैक्टर, अगर तो ये इसलिए मुझे फिर तो दूसरे सवाल का जो जवाब था वो यही मिल गया कि कंजम्पशन सिर्फ बड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वो चीज ठीक करनी पड़ेगी। जो सेकंड ये फैक्टर जो हमने डिस्कस किया अभी, व्यापार करना कितना आसान होगा, अगर आप वो ठीक कर ले तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि और कोई, जैसे हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और कोई विश्व में कोई और एक कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है या शक्ति है जो चीन के मुकाबले एटलीस्ट कंजम्पशन में, खपत में चीन को टक्कर दे सकती है। तो अगर ये चीज सही हो जाए तो शायद हम कह सकते हैं कि हमारी हमारी आबादी अब बढ़ गई है और हमारी उपभोक्ताओं के जो संख्या है वो बढ़ गई है, तो इसको हम अच्छे से China+1 में लेवरेज कर सकते हैं। चीज और जोड़ दूंगा जो अमित ने बोला। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं कि रिसर्च क्या कहता है। आई थिंक इसमें जो पर कैपिटा नंबर है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि जैसे हम काफी सारे चीजों में, हिंदुस्तान में बहुत बिजनेसेस उस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं, और इंक्लूडिंग हम भी रहते हैं, कि टिकट साइज चीजों का, जैसे हिंदुस्तान में आपको 1 रुपए का सैशे बेचना पड़ता है ना शैम्पू का,
तो वो इसीलिए बेचना पड़ता है क्योंकि आदमी के पास 1 ही रुपया है शैम्पू खरीदने के लिए हर महीने या हर हफ्ते, जो भी एक एक प्रॉब्लम, वो अगर हफ्ते में 1 ही बार बाल धोएगा, वो एक सैशे तो एक बार में खत्म हो जाता है, तो वो 1 रुपया इस चीज में खर्च कर सकता है या रोज कर सकता है, दहाड़ी मजदूर है तो ये वाली जो चीज है, तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है इस चीज में। तो एज अ बिजनेस बहुत मुश्किल है। अगर आप एक, आपको लगेगा तो 30 करोड़ का मार्केट है, तो आप बोलेंगे कि सिंगापुर में हो सकता है अगर 1 करोड़ लोग जो है वो 30,000 रुपए महीने का खर्च कर रहे हैं, वर्सेस हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो दोनों नंबर बराबर लगेंगे, बट मैं एज ए इन्वेस्टर सिंगापुर में जाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट है वो कम है, और ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है फ्रॉम जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मैं काफी आम लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि आप एक महंगी सी गाड़ी ले लो और उसके बाद गड्ढों वाली सड़क है, तो आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उसी गड्ढों पे आपको जाना है तो आपकी स्पीड जो है वो लिमिटेड रहेगी गड्ढों से, आप बेहतर गाड़ी लेने से तेज नहीं भाग पाओगे, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट खूब हाई कर सकते हो लेकिन आप बहुत आगे तेज बढ़ नहीं सकते क्योंकि सड़कों में आपके गड्ढे भरे पड़े हैं, तो ये तो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, तो सब लोग समझ सकते आपकी हैं कि हम क्या बात निजी कर रहे हैं। कहानी बयां कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सबके साथ है ऐसा, तो ये भी एक मेरे ख्याल से तीसरा फैक्टर है कि टोटल नंबर के अलावा एक पर कैपिटा नंबर बहुत, क्योंकि हिंदुस्तान में आरपू जिसको बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिसको लेकर के बिजनेस वाले बड़े परेशान रहते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। लेकिन मैं इसको छोटा सा एक तोड़ दे दूं आपको, इसे काउंटर दे दूं इस पे, कि सिंगापुर अगर आप और भारत को अगर कंपेयर करें तो भले ही भले परसेंटेज में वो सिंगापुर शायद आगे होगा, लेकिन भारत की आबादी इतनी ज्यादा है और उस कंज्यूमर उपभोक्ताओं के नंबर ज्यादा है कि उसका अगर आप 10% भी निकाल लें तो शायद सिंगापुर के बिल्कुल बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया क्योंकि उदाहरण। वो तो बात ठीक है कि अब हमारे जो 50 करोड़ उपभोक्ता है उसमें जो मेरे ख्याल से टॉप के 5 करोड़ है वो तो सिंगापुर से बहुत मल्टीफोल्ड होंगे ना, तो इसीलिए हम देखें तो अक्सर हम लोगों ने जैसे सजित भाई के साथ एक एपिसोड भी किया था, इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 करके उन्होंने कंज्यूमिंग क्लास को डिवाइड किया था इंडिया की, तो इंडिया की जो इंडिया 1 क्लास है वो सिंगापुर जैसी है, और उसमें और हिंदुस्तान में कई सिंगापुर है, मतलब सिंगापुर बहुत छोटा सा है, तो हिंदुस्तान में कई सिंगापुर बड़े बड़े, ये वो लोग हैं जो फ्लाइट्स में जाते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाना अफोर्ड कर सकते हैं भले जाते हो या ना जाते हो, बट फ्लाइट में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड है उनके पास वगैरह, लेकिन हाँ लेकिन वो नंबर बड़ा है, बट ये कंपैरिजन की बात है कि आपके पास उतने कितने लोग हैं जी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल अमित, ये जो वैसे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला बताया, तो हमारी चर्चा हुई थी मनीष सबरवाल जी के साथ, तो उन्होंने भी इसी पॉइंट को काफी इस पे जोर दिया था कि क्यों हमें जरूरत है बैट ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस की। पर क्योंकि आपने इन मानकों को और देखा है क्लोजली, तो थोड़ा सा इस पे और बता सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम किन किन फैक्टर्स हैं, उनके किन सब फैक्टर्स में इंडिया खास करके पीछे छूट रहा है। जी बिल्कुल, तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो मैं कहूंगा 2 से 3 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आप कह रही थी जो बिल्कुल होने चाहिए थे इस सेक्टर में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन 2 से 3 चीजें जो जिस पे मैं जोर डालना चाहूंगा, उनमें से पहला लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड एक इशू रहा है हमारे पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी, और बहुत समय से अलग भिन्न विभिन्न सरकारों ने कोशिश की है कि इसको किसी तरह से रिफॉर्म्स लैंड्स में लेके जाए लेके लेके आया जाए। तो जब बाहरी निवेशक जब यहाँ आते हैं, उन्हें जब आपको उनको यहाँ पे निवेश करना है और अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगानी है जो, उसके लिए आपको लैंड अक्वायर करना पड़ता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही बिल्कुल कंबरसम प्रोसेस होता है, जिससे आप जिसकी वजह से आपको कई 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 बार 1 से 2 साल का समय लग जाता है सिर्फ लैंड अक्वायर करने में, और उसमें आप अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट ऑलरेडी आप अगर अपना इतना कैपिटल लेके आए हैं इस देश में, तो उस पे कॉस्ट बढ़ता जाता है, उस पे आपको आपको लोन्स पे करने हैं, इंटरेस्ट पे करना है वगैरह, तो ये चीजें कॉस्ट बढ़ाता है आपके। तो एक लैंड रिफॉर्म्स एक वो चीज है जिससे लैंड एक्विजिशन थोड़ा बहुत ही आसान बनाया जा सके बाहरी निवेशकों के लिए, एक ये है। दूसरा लेबर लॉज, तो अभी भी इंडिया में वो सोशलिस्ट कुछ टेंडेंसीज रह गई हैं जहाँ पे लेबर यूनियन यहाँ पे अभी भी बहुत काफी स्ट्रांग है, एंड लेबर में आप जैसे विल टू हायर एंड फायर जो बहुत ही आसानी से आप जिनको हायर या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की चीजें होती है या फिर आप
बहुत सारी आपको ऐसी सुविधाएं लेबर्स लेबर्स को देनी पड़ती है, सोशल सिक्योरिटी जो जिसका भार जो है कंपनियों पे आता है। तो अगर आप बाकी देशों में देखें, उसके फिर वर्क आवर्स पे लिमिट्स होती है कि आप कितना वर्क आवर एक दिन में कर सकते हैं, उसको आपको ओवर टाइम कितना अगर आप करते हैं तो कॉम्पनसेट कितना करना है। तो उन सब चीज़ों की रेगुलेशंस इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेबर यूनियन बहुत स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप बाकी देशों में देखें तो वो उतनी ज़्यादा बहुत रिलैक्स्ड है, और इसीलिए वहाँ पे निवेश करना थोड़ा आसान है। तो ये दो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आती है। उसके बाद आपके पास एक 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 चीज अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा पर प्रॉब्लम चीन होता तो है। सोशलिस्ट कंट्री है, चीन में हो गए लेबर यूनियन बहुत स्ट्रांग। या ये बिल्कुल होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, लेकिन उन्होंने बहुत 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 जगहों पे ऐसा किया है कि फैक्ट्रीज में जब वो 1990 और 2000 के बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज आई हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स वैसे कंपनियों के पास उतना उतना बर्डन बिल्कुल नहीं है। एंड मोस्टली वहां पे जो उन्होंने जो फैक्ट्रीज सेटअप की है वो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में की है, जिनके पास बिल्कुल खुली छूट थी बिल्कुल बाहरी देशों को रेप्लिकेट करने के लिए, वहां पे जो उनके स्टैंडर्ड्स थे वो करने के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे ईस्टर्न जो सेक्शन है पूरे चाइना का, जो कोस्टल सेक्शन है, ईस्टर्न कोस्टल सेक्शन है, वो पूरा जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं वो है वैसे जगह है जहाँ पे ये सब चीजें मोस्टली रेगुलेशन जो है वो रिलैक्स थी, और उन्होंने जिसका इसका उन्होंने फायदा बहुत ज्यादा उठाया। इंडिया में सेस का उतना फायदा भारत उठा नहीं पाया, तो ये कुछ हमारे यहाँ पे चीजें। भी ऐसी चीज तो बहुत, मतलब शुरू में तो काफी सेटअप हुए थे, पर अभी वो कितनी स्केल पे बन पाए हैं, क्योंकि आईटी में तो ऐसी जी के कंसेप्ट्स है राइट, बट बाकी बाकी इंडस्ट्रीज में शायद इतना नहीं हो पाया है क्या? जी मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, मैं भी शायद आपको प्रणय द्वारा क्योंकि बता पाया, आईटी में लेकिन तो थे, क्योंकि हाँ उस हाँ एक समय पे काफी सारे ऐसी जीज बन रहे थे, स्केल पर स्केल अलग है ना ख्याति। अलग होगा। हाँ हम लोग वो बात करते हैं जैसे जर्जियांग में एक फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग बिल्कुल काम करते हैं। हम मतलब सुना ही नहीं होगा मैंने तो ऐसा, इंडिया में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं किसी एक, तो स्केल उतना नहीं है। हमारे यहाँ है छोटा मोटा, रहा है गिफ्ट सिटी बना दी अब, तो गिफ्ट सिटीज ऐसे अलग अलग गिफ्ट्स हैं हर एरिया में, लेकिन वो इतनी छोटे गिफ्ट है कि भारत के स्केल पे उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। और वो भी फाइनेंशियल सेक्टर ही है ना, और मतलब थोड़ी सी ऐसी भी ख्याति जैसे आईटी में तो तुमको पता ही होगा ना, आप अपने अपने ऑफिस को एसईजी घोषित कर सकते थे, तो वो सही में जोन नहीं था कि आपने एक एक्चुअल हाँ ज्योग्राफिक जोन बना दिया जिसमें आपके पास में अलग है एक तरीके का टैक्स हेवन। आपने बोला हाँ आप अपने आप को अपने एरिया पे आसपास एक चौक घुमा लो और बोल दो कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो बाहर मतलब वही टूटी रोड है और बाहर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आपको सेम ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बस आपको इनकम टैक्स की और इम्पोर्ट ड्यूटी की एग्जम्पशन दे करके एसईजी बन गया। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं सही मायने इनफैक्ट में अगर आपको हाँ एसईजी बनाना है तो उसमें आप लैंड लेबर एंड पावर, ये अगर तीनों चीजें आप ठीक से दे दो तो फिर वो सही मायने का एसईजी होगा। यही मेरा तीसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रिसिटी। वो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस लेना बहुत मुश्किल है कंपनियों के लिए, खासकर अगर आप जब लेने जाए उसका अप्रूवल लेने जाए तो काफी मुश्किल होता है। तो ये तीन चीजें अगर आप कर ले तो शायद और बेहतर हो जाएगा। तो फिर अमित, जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे तो इसमें कोई आशा की किरण दिखी क्या आपको कि इसका आपका निष्कर्ष यही था कि भारत को उतना ही अमीर होना पड़ेगा जितना चीन है, और उसके बाद हम लोग हमारे कंजम्पशन की बात कर सकते हैं, तब हमारे पास भी 90 करोड़ कंज्यूमर क्लास होगा और फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हमें बस इंतजार करना है कि कुछ और आपको नया दिखने मिला। बिल्कुल एक आशा की किरण बिल्कुल दिखाई थी, और ये शायद मेरा सबसे बड़ा टेक अवे था इस पेपर में। पहले तो अगर आप देखें तो अब ये पता, ट्रेंड्स अगर आप कंपेयर करें दोनों भारत और चीन में, तो आपको पता चलेगा कि चाइना में जो ग्रोथ है उनके कंज्यूमर्स का वो अब कम हो रहा है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है, बाहरी काफी ऐसे अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि चीन को अब अपने इनवर्ड्स देखना शुरू करना पड़ेगा, अपने कंजम्पशन पे ध्यान देना शुरू करेगा, लेकिन ऐसे कोई संकेत नजर आ नहीं रहे जहां से हमें ऐसा लगे कि शायद चीन जो है एक कंजम्पशन ड्रिवर इकोनॉमी अभी भी बनने के लिए तैयार है। उसके एक अलग अपने जियोपॉलिटिकल रीजन है, मेरे हिसाब से एक थियोरी है, बट वो हम अभी डिस्कस बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो अभी भी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनना चाहती है। दूसरी ओर भारत ना सिर्फ अभी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी अभी है,
बल्कि इसका रेट ऑफ इंक्रीज जो आप कहते हैं जिस दर से वहां पे उपभोक्ता या फिर खपत बढ़ रही है वो चीन को अब पीछे छोड़ चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप स्केल इफेक्ट देखें तो चाइना अगर थोड़ा सा भी आगे ऊपर जाए, एग्रीगेट लेवल पे काफी ऊपर जाएगा, लेकिन भारत की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा है कि वो एग्रीगेट टर्म से भी गैप ब्रिज कर पा रही है। पहला ये। दूसरा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की जो खपत है वो करीबन 60% है और चीन में 37% है, इससे हम एक चीज निष्कर्ष जो निकाल सकते हैं वो ये है कि जिस खपत लेवल पे या स्तर पे पहुंचने के लिए चीन को करीबन 18 या 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना पड़ा, जो वो अभी है इस वक्त पर है, वहां पहुंचने के लिए भारत को 20 ट्रिलियन डॉलर बनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम ज्यादा खपत करते हैं, हम उस लेवल पे करीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर पे आसपास पहुंच जाएंगे। अब हमें बस इतना आपस में गवर्नमेंट को इतना इंश्योर करना है कि आय का जो वितरण है, जो इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनकम इनइक्वालिटी है, वो अगर किसी तरह से वो कम कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर लेकर आ पाए, तो आप इस कंजम्पशन को इस तरह से लेवरेज कर सकते हैं कि आप चीन को टक्कर दे सकते हैं आगे आने वाले करीबन 10-12 साल में खपत के दृष्टिकोण से। तो एक तरीके से अगर हमारे हमारे इनइक्वालिटी थोड़ी कम होगी ताकि ज़्यादा लोगों के पास थोड़ा और पैसा होगा, तो हमारा जो कंज्यूमर क्लास जो है, जो काफ़ी छोटा है अभी भी हमारे पूरी जनसंख्या की कंपैरिजन में, तो आई थिंक वो अगर बड़ा होगा तो फिर हमारा देश और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक तरीके से, बिल्कुल, राइट? अगर आप देखें तो 2030 तक की जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से चाइना पहली विश्व की पहली ऐसी ऐसा देश बन के उभरेगा जिसके पास 1 बिलियन से ज्यादा कंज्यूमर्स हो जाएंगे। 2026 में आई थिंक वो 1 बिलियन मार्क जो है वो बिल्कुल क्रॉस कर देगा। लेकिन दुनिया में ऐसा सिर्फ भारत अकेला एक ऐसा देश है जो 1 बिलियन मार्क पास कर सकता है। विश्व की ऐसी और कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो नहीं कर सकता। भारत के प्रोजेक्शन 2030 तक ऐसे लगभग 750 या 770 मिलियन, 77 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे जो इस लाइन के ऊपर होंगे। लेकिन इतना जान लें कि विश्व में और कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके पास इतने ज्यादा उपभोक्ताओं की संख्या होगी। ठीक है अमित, आपने बहुत अच्छा ये एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि जब भी हम इन भारत और चाइना की बातें करते हैं तो हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, उनके कंजम्पशन के क्या ट्रेंड्स हैं इस बात पे हमने ज़्यादा गौर नहीं किया होता है और हम बहुत कम सुनते हैं उसके बारे में। तो एक तरीके से आपने इस चीज़ को और थोड़ा सा सटीक तरीके से बताया और हमें समझाया कि किस तरह से हम चाइना से अलग भी है, लेकिन अगर हम हमें पोटेंशियल है क्योंकि हमारे पास वो जनसंख्या है कि हम वो पहुंच पाए, लेकिन हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो हमारे श्रोता भी बताए आज आपको ये बातचीत कैसे लगी, और अगर आपको हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हमें सुन रहे हैं, और अपने दूसरे दोस्तों और परिवारजनों से भी इसे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित। थैंक यू अमित।